नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तो क्या है नया अपडेट? ई पास, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम जो भी है उसे आपको अपने घर पे ही निपटाना है। ई पास के माध्यम से आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है, और घर से अगर आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपको क्यों नहीं रोकेगी, तो उन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो ई पास आप बनवाइए। उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जहां पर आप ई पास बनवाने के बाद लॉकडाउन में भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप अपना जो भी दुकान वगैरह है आप उसे ओपन कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बाहर ई पास ले जाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, रिगार्डिंग आप अपने व्यवसाय को लेकर। तो इस ई पास को हम कैसे बनवाएंगे, उन सारी चीजों पे आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे ब्लॉग वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका नाम है kingcraft.com, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, इसका जो लिंक है, अगर आप kingcraft.com नहीं ओपन कर पा रहे हो, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है kingcraft.com, और ये वाला डायरेक्टरी लिंक जो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये भी लिंक मैंने दे रखा है। आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, कब से क्या, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, और वेबसाइट का लिंक क्या है, ठीक है, लॉगिन वगैरह कैसे हो, सारी चीज़ों पर ये बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन बिगनिंग डेट क्या है, मार्च 2020 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लास्ट डेट 14/4/2020, लॉकडाउन लास्ट डेट 14/4 है। हाँ, जब तक कोई नई अपडेट नहीं निकल के आती, अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो ये एप्लीकेशन डेट भी बढ़ जाएगी। इस पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या करना है, जितनी जल्दी आप इसको फॉर्म को भर लें और ई पास बनवा लें उतना ही बेटर है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसकी फीस क्या है। आवेदन करने के लिए अभी तक फिलहाल के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, आवेदन आवश्यकता सेवाओं में काम करने वालों के लिए होगा, जो ई पास में सक्षम होंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, वैसे मिलेगा तो सबको, बट आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ पर आपकी शॉप है, वो सारी चीजें। उसके बाद आइए अब आप बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट लिंक्स। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स की मैं तीन लिंक्स, चार लिंक्स शेयर कर रखा हूँ, आप इन चीजों के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसका ये ऑफिशियली लिंक है, इस ऑफिशियली लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऑफिस का जो इसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ओपन होके आपकी स्क्रीन पर आप आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अप्लाई ई पास, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ई पास के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपको ई पास बनवाना है तो देन आप यहाँ पर डाल देंगे आप अपना मोबाइल नंबर। जैसे ही यहाँ पर ये मेरा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ओटीपी डाल देना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो पूरा फॉर्म ओपन होके आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। आपको पूरा फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ पर ट्रैक योर एप्लीकेशन, जैसे ही आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे तो ट्रैक के लिए ऑप्शन कर दिया जाएगा। ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और आपका जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर। सर्च योर एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन किस पोजीशन पर है, बन गया है, कैसे बन गया है, तो आपको डाउनलोड कैसे करना, वो सारी चीजें यहां से आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूं और ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आते हैं। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है लॉगिन का, तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के। ठीक है, इन दोनों में से जो भी चीजें आप भरे होंगे आप इसको सिलेक्ट करके आप अपना यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे। कैटेगरी वगैरह किस प्रदेश से है, ठीक है, तो सारे प्रदेश को, जैसे आप कौशाम्बी जिले से हैं तो कौशाम्बी जिले से भर के यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो भी चीजें हैं आप यहां पर सबमिट करेंगे, आपको लॉगिन मिल जाएगा, वहां से आप चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही तीनों ऑप्शन, जैसे यहां पर मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है और यहां पर रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आइए क्लिक करके देख लेते हैं। तो जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर दे के सबमिट करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी के देके आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया फॉर्म का लिए, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं लॉगिन का। लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, ट्रैक योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो ट्रैक आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो चीज मैंने आपको वेबसाइट के थ्रू दिया है, अगर आप वेबसाइट के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं तो इस लिंक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर, लॉग इन करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर, ट्रैक योर एप्लीकेशन करना है तो आप यहाँ पर, इन तीनों चारों लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो मैंने यहाँ पर दे रखा है, फॉर एनी क्वेरी एंड फीडबैक कॉन्टेक्ट info@kingcroft.com, यहाँ पर मेल करेंगे तो मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। आप मेरे फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से और टिकटॉक से कनेक्ट होकर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे सारी चीज़ों के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। फॉर्म भरना नहीं आता, डिटेल आप मुझे सेंड करेंगे, फॉर्म भर के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पर देखिए मैंने दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, वीडियो चैट, कॉल चैट पर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मेरे बारे में जानना है तो अबाउट पर क्लिक कर लें। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज यार इसको जल्दी से फॉर्म को भर लो और पूरे इंडिया में कहीं भी घूमो आराम से, बट काम लेकर। ऐसा नहीं कि आपने ई पास बनवा लिया आप फालतू का घूम रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि लोगों को पता चले जिनकी जो प्रॉब्लम्स है, गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, सबके लिए, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो और घर से निकल के अपनी चीजों को दूर और सॉर्ट आउट कर ले। तो लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ या फिर किसी नई टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।